हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं उसमें इन पत्तियों का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक इस तरह का वायर लेंगे। ये वायर हमारे लोकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस वायर को हम बीच से फोल्ड करते हुए इस तरीके से मोड़ लेंगे। इस तरह का हमें तीन वायर चाहिए, जिसमें दो इक्वल साइज का होगा और एक इससे थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद हम एक कॉपी का पेज लेंगे। आप इसके जगह न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हम लंबे लड़ियां काट लेंगे और जो हमारी वायर है उस पर हम फेविकॉल लगाएंगे और उस पर इस कागज़ को चिपका देंगे। इसके बाद हम बॉल पुटी का डो तैयार कर लेंगे। बॉल पुटी का डो हम पानी की हेल्प से तैयार करेंगे। इसमें किसी भी तरह का ग्लू मिक्स नहीं करेंगे। बॉल पुटी का परफेक्ट डो बनाने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बॉल पुटी का डो कैसे बनाते हैं मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती हूँ। डो बनाने के बाद हम एक प्लास्टिक सीट लेंगे और उस पर थोड़ा सा कोई भी पाउडर छिड़क देंगे। उसके बाद हमने जो बॉल पुटी से डो तैयार किया है, थोड़ा सा बॉल पुटी लेकर उस पर रखेंगे और किसी भी पेन या बेलन की हेल्प से उसे बेल लेंगे। जब उसे थोड़ा सा बेलेंगे, उसके बाद जो हमारे पास पत्तियाँ थी उसमें से एक पत्ती उसके अपोजिट साइड रख के और उसे फिर से बेल लेंगे। फिर प्लास्टिक सीट को हटाकर टूल्स की हेल्प से पत्ती का शेप कट कर लेंगे। उसके बाद इसे पलटकर दूसरे साइड से भी जो प्लास्टिक सीट है उसे हटा देंगे। उसके बाद जो हमने कागज से वायर कवर किया था उसे लेकर इसके बीच में रख देंगे। थोड़ी सी बॉल पुटी लेंगे और इसके ऊपर रखकर इसे चिपका लेंगे। पानी की हेल्प से स्मूथ करेंगे और इसे 6-7 घंटे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तब हम इस पे कलर करेंगे। सूखने के बाद इसमें से जो पत्ती है बहुत ही आराम से बाहर निकल जाती है। तो अब मैं इसे कलर कर रही हूँ। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज किया है। मैंने तीनों लीव्स को ब्लैक कलर से ही कलर किया है, क्योंकि मैं इसे एंटिक लुक दूंगी तो मैंने इसे ब्लैक कलर से कलर किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मेरा जब ब्लैक कलर सूख गया है तब मैंने इस पे गोल्डन मेटैलिक कलर से कलर किया है। कलर करने के बाद हम एक खाली साबुन के डब्बे का कवर लेंगे, उसे बीच से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो साइड का खुला हुआ पार्ट है उसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे। उसके बाद हम एक कटोरी में 5 से 6 चम्मच व्हाइट सीमेंट लेंगे और उससे पानी से घोल लेंगे। इस घोल को हमने जो कवर कट किया है उसमें इसे भर देंगे और जो हमने लीव्स बनाए हैं उसमें इसे खड़ा करके पीछे से कोई भी सपोर्ट लगाकर इसे सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम एक कटोरे में पानी लेंगे और उसमें इसे 10 से 15 सेकंड के लिए रखेंगे। 10 से 15 सेकंड रखने के बाद इसका जो कागज़ है वो फूल जाएगा और ये बहुत ही आसानी से इसमें से बाहर निकल जाएगा। निकालने के बाद उसमें अगर कोई अनइवन एरिया है तो आप उसे सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ कर ले और उसके बाद कलर करें। मैंने इसे ब्लैक कलर से कलर किया है और जब मेरा ब्लैक कलर सूख गया तो मैं इस पे ऊपर से गोल्ड मेटैलिक कलर से कलर कर रही हूँ। आप भी कलर करते समय ध्यान दें कि जब तक आपका एक कलर ना सूखे तब तक उस पे कोई दूसरा कलर ना करें। तो फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार हो जाती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ऑल ज़रूर प्रेस करें। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।